आइए आपको दिखाते कि आखिरकार सारस कानपुर चिड़ियाघर में कैसे पिंजरे में बंद है, किस प्रकार तड़प रहा है, क्या उसको खाना मिला या नहीं मिला। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारे सामने आरिफ का सारस आपको पेश किया जा रहा है। इस बात का सबूत मैं आपको दूंगा कि आखिरकार वो सारस है या नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे मतभेद फैला दिया कि अभी तक सारस कानपुर चिड़ियाघर में नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको चार सारस दिखाई दे रहे होंगे, एटलीस्ट देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से तीन सारस पिंजरे के अंदर हैं और एक सारस पिंजरे के बाहर क्यों है, उसके पैर में चोट क्यों है। देख सकते हैं यहाँ पे सारस देखने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो भाई आप लोग क्या कहना चाहते हो, जो आरिफ का सारस छीना गया है उसके साथ क्या गलत हुआ है या सही हुआ, आप क्या कहना चाहते हो? इस प्रकार करना चाहिए राजनीति, नफरत की राजनीति का ये परिचय है वर्तमान सरकार ने दिया है। जी जी, आरिफ ने सारस को जबरदस्ती अपने घर पर नहीं रखा था। आरिफ की और उस सारस की जो यहाँ पर बंद है, कैद है, उनकी दोस्ती का पर्चा पूरा देश जान रहा है। पूरी दुनिया ने देखा था कि आरिफ और सारस की दोस्ती, वो एक साथ खाना खाते थे, खपीना करते थे, सब कुछ उसका दवा दर्पण किया गया। आखिरकार जब सारस घायल पड़ा था तो तब वन विभाग की टीम कहाँ थी? बिल्कुल उस समय सरकार नहीं दिखाई पड़ रही थी जब वो सारस का जो है गंभीर हालत पर सारस पड़ा हुआ था, जिसको आरिफ नाम के इंसान ने अपने घर पर लाकर उसकी मलहम पट्टी करी और उसकी देखभाल करी और उसको अच्छे से, जैसे हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं और देखभाल करते हैं, उसकी चोट को सही किया। इसी कारण आरिफ से उस पक्षी को इतनी मोहब्बत हो गई कि वो कहीं पर भी रहे, अपने परिवार के साथ रहे, चाहे जंगल में रहे, लेकिन एक बार आरिफ के घर आरिफ से मिलने जरूर आता। तो दोस्त आपको दोस्तों बता दें कि जब से सारस को छीन के लाया गया है, आरिफ रो रहे हैं और आरिफ को, आरिफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो बेचारा अकेला पड़ गया है, दोस्त आरिफ 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 के साथ पूरी समाजवादी पार्टी है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी उनके साथ है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आरिफ को इंसाफ मिलेगा। तो जैसे कि आरिफ से जब सारस छीन लिया जाता है तो अखिलेश जी वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जब सारस छीना जाएगा तो मोर को भी छीना जाएगा। बिल्कुल, तो आप लोगों के सामने तस्वीर आई होगी, देश के प्रधानमंत्री जी मोर को, जो राष्ट्रीय पक्षी है, उसको दाना खिला रहे थे। अगर आरिफ का पक्षी छीना जा सकता है तो राष्ट्रीय पक्षी को भी जरूर मोदी से कब छीना जाएगा, ये देश की जनता जान रही है। कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति के नाम पर नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको हम समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी लड़ाई करेंगे। क्या ये आरिफ के साथ जो गुनाह हुआ है, आरिफ से सारस छीन करके, क्या ये मतलब एक मुस्लिम होने की वजह से सारस छीना गया? अगर किसी हिंदू के घर में होता तो ये सारस छीना जाता, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोग आज से जातिवाद नहीं करते। आपने देखा होगा जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, तो यही मायावी लोग, यही आरएसएस के लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलवाया। क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है? नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार एक पक्षी के लिए, बेमुंह का जानवर जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसका दर्द नहीं देख सकती, क्या कहना चाहती इसके बारे में? ये तो आदरणीय योगी जी जाने और उनकी सरकार के लोग भी जाने कि जैसे आज वो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, कल अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो ये लोग भी जो है, जो पक्षी और जो जानवर पाल के रखा है, ये भी इनके पास नहीं रह सकता। ये नफरत की राजनीति इनको बंद करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे भैया जी ने सारस के बारे में किस प्रकार से बताया कि सारस आखिरकार क्यों छीना गया है मुस्लिम होने की वजह से। तो भाई आप क्या कहना चाहते हैं सारस के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार एक निंदनीय काम कर रही है, जी जी, एक तरीके से जो भी एक पक्षी वो क्या जाने, और आरिफ का साथ जो भी उन्होंने किस तरीके से उनको इतना सब कुछ अपने आप को ठीक किया, जी जी, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, आरिफ ने एक अपने घर के बच्चे जैसा उसके साथ व्यवहार किया, उसको ठीक किया, उसके चोट को सही किया, मलहम पट्टी किया, जी जी, और नफरत की राजनीति से आरिफ को उससे जुदा कर दिया गया और उनको लाकर यहाँ अमेठी से लाकर यहाँ कानपुर में रख दिया गया। तो वहाँ पे जब सारस को लाया गया था कानपुर में, और किस प्रकार से आप जानते हैं दोस्तों, जैसे एक मुजरिम नहीं होता जिसने 10 मर्डर किए हो या कुछ भी किया हो, उसको बंद गाड़ी के अंदर वहाँ पे पुलिस वाले इस प्रकार से तपती धूप में सारस उतर मतलब मुंह निकाल रहा था, देखे होगा आपने क्लिप में किस प्रकार से सारस तड़प रहा था, तो ऐसा करना चाहिए था बेमुख जानवर के साथ? ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि कौन एक पक्षी के साथ ऐसा कर रहा है, तो आगे चलकर ऊपर वाला उसके साथ क्या व्यवहार करेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सारस फिर से दोबारा आरिफ को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार वापस करेगी या नहीं करेगी? अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि वापस करेगी, अगर वापस कर रही होता तो उसको यहाँ से लाके यहाँ नहीं छोड़ा होता। तो अभी जो सारस को यहाँ पे लाया गया है,
और सारस आरिफ के नाम पे एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, मतलब उनके यार नोटिस आ गया वन विभाग की तरफ से, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अब वो तो बेकसूर है, नोटिस देना एक तरीके से उनको और परेशान करने की एक तरीके से दिक्कत होगी उनको, जी जी जी। तो उनको परेशानी ना हो और जो भी बात हो तो उनसे बात कर ली जाए, पर उनके ऊपर कोई मुकदमे कोई इस तरीके की बातें ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या क्या लगता है सरकार, मतलब जिसको दवा करवाया गया, जिसको खाना दिया, जिसको पानी पिलाया, एक थाली में खाया और उसके बदले में उसको जेल डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक? ये तो जनता देख रही है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, तो जनता को फैसला करना चाहिए। जी जी जी, मेरा तो फिलहाल यही कहना है जी कि चाहे प्यार बड़ा अनमोल चीज़ है, प्यार चाहे इंसान से हो या फिर किसी पक्षी से या फिर किसी जानवर से, एक दूसरे का जो प्यार होता है वो प्यार की जो भाषा है जी, वो बिन बच्चे वाले लोग नहीं समझ सकते, मेरा ऐसा मानना है। जी जी जी, आज ये जो आरिफ को और सारस को जो आज अलग किया गया, वो क्या जाने किसी के प्यार की ममता कि किसी को पालने में या किसी को उसके साथ रहने में क्या प्यार मिलता है, ये शायद वो नहीं समझ सकते। एक औलाद का दर्द क्या होता है जब, हाँ बिल्कुल, जबकि आरिफ जो है आज दुखी हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बीच से या उनके उनका एक साथी छूट गया है, ऐसा ऐसा प्यार ऐसी ममता कौन कर सकता है? जैसे लगता है कि एक परिवार का हमारे सदस्य हमसे दूर हो गया है, वो अपने घर में किसी बच्चे या बेटी से ज्यादा मानते हैं। इस बात पे एक मेरे पास एक जो है एक बात याद आ गई कि देश और प्रदेश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ आ रहा, मुझे ये समझ आ रहा है कि शायद ये नफरत की राजनीति हो रही है, किसी इंसान को किसी जुदा कर दिया जा रहा है, क्या इससे जो है किसको क्या स्वार्थ है बताइए? यदि प्राणी उद्यान में क्या जानवर नहीं मरते हैं, क्या पक्षी नहीं मरते हैं, कभी प्यास के नाम पे कभी भूख के नाम पे क्या नहीं मरते हैं? यदि किसी इंसान के पास ये पक्षी है और वो उसको प्यार कर रहा है, उसके साथ रह रहा है, तो प्राणी उद्यान से ज़्यादा ध्यान तो जो है वो इंसान कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई किसी को जो है अपने साथ रखना चाहता है तो उसमें किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है और सरासर गलत है। और सरकार मतलब सारस के पास जो मतलब आरिफ के पास जो सारस रहता था वो खुले में रहता था, ना ही कोई पिंजरे में कैद किया जाता था उसको, ना तो बंधक बनाया जाता था, खुला रहता था, घूमता था, खेत में भी जाता था, चाहे और आज यहाँ पे पिंजरे में कैद है। चाहे वो इंसान हो और चाहे वो जानवर हो, जी जी, चाहे फिर पक्षी क्यों ना हो, यदि वो नुकसानदेह है जी तो उसे पिंजरे में नहीं आप कैद कर रह सकते हैं, लेकिन यदि वो आपसे प्रेम और जो है मानवता और आपके साथ रहना चाहता है तो उसके लिए कोई पिंजरा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी मानना है। तो जिस चीज से नुकसान होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव में फसलें बहुत नुकसान होती हैं, गाय या सांड अन्न छूटे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि सारस आखिरकार कहाँ पे बैठा हुआ है और किस हालात में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं और जैसे कि आप हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, और बतख देखिए, देखिए एक से एक खूबसूरत बतख हैं, पक्षी हैं, बहुत सारी यहाँ पे चिड़िया बैठी हैं, आप लोग देख सकते हैं इनमें किस प्रकार से सुंदर नज़ारा यहाँ पे। तो दोस्तों ये पक्षी इतने खूबसूरत लग रहे हैं, आप लोग खुद ही डिस्प्ले में देख ही रहे होंगे, इतना यहाँ पे अच्छा नज़ारा है इनके पास में, और एक से बढ़कर एक सफ़ेद, बिना साबुन से धुले हुए, निरमा से धुले हुए, इतनी सफ़ेदी आना बहुत ही कुदरती देन है ये दोस्तों। इतना साफ तो इंसान भी नहीं हो सकता, चाहे वो किसी जगह पे भी कपड़ा क्यों ना धुलवा ले, इनके जैसे बाल हैं उस तरह किसी के भी सफ़ेदी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और दिखाएंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कितने दर्शक देखने के लिए आ रहे हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे इनको देखने आते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से। तो हम इनको हाथ पकड़ाते हैं, देखिए, अरे आप देख सकते हो ये हमारी तरफ आ रहे थे, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे किस प्रकार से पक्षी यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत यहाँ पे पक्षी हमको जो दिखाई दे रहे हैं, और ये पक्षियों को देख करके हमको काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग सारस की तरफ चल रहे हैं, आखिरकार सारस है कहाँ पे, किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, तो आपको सारस दिखाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं सारस की खोज में, हम लोग की कहाँ पे चिड़ियाघर में सारस रखा हुआ है, किस पिंजड़े में बांधा गया है, कहाँ पे दबाया गया है, किस जगह पे है, और हमको देखना है सारस, और आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार सारस कहाँ पे है। दोस्तों हमारे सामने आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश सिंह आने वाले हैं और आज चिड़ियाघर में वो सारस देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बहुत सारे पुलिस आ चुकी है चिड़ियाघर में, क्योंकि अखिलेश सिंह आ रहे हैं चिड़िया देखने के लिए, और देखते हैं कि वो सारस को आज देखने के लिए आएंगे, सारस आखिरकार किस हालात में पड़ा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं चिड़ियाघर के अंदर पुलिस लगा दी गई है सबले, और पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी जाम कर दी गई है, और यहाँ पे
किसी को बाहरी लोग को आने नहीं दिया जा रहा है।